हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके मोबाइल में जो कोलिट्यून सेट है कोरोना वायरस का, उसे रिमूव कैसे किया जाता है, इस तरीके से हटाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, चाहे आपका किसी भी कंपनी का सिम क्यों ना हो, चाहे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, तो यहाँ पर हम सभी सिम का बताने वाले हैं किस तरीके से कोरोना वायरस का कोलिट्यून हटाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको एयरटेल का बताने वाले हैं। तो जैसे ही आप डायल पैड पे आ जाएंगे, डायल पैड पे आने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे *646*224#। ये करने के बाद ये एयरटेल का नंबर है, आप इससे कोरोना वायरस का कोलिट्यून आपके सिम में, एयरटेल के सिम में समाप्त हो जाएगा, अब नहीं आएगा। तो सिंपली सी आप जो है एयरटेल के सिम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद उसके बाद प्रेस आपको 1 कर देना है। जैसे ही आप 1 करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा कोरोना वायरस का कोलिट्यून। तो वैसे ही आपको जियो में करना है। जियो में एक टेक्स्ट लिखना है, स्टॉप STOP, आपको जो है ये कैपिटल में लिखना है। उसके बाद इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है 155223। उसके बाद वैसे ही BSNL पे है, उसी तरीके से आपको 56700 पे या नहीं तो 56799 पे आपको जो है ये मैसेज करके टाइप कर देना है, कैपिटल में UNSUB। उसके बाद वैसे ही वोडाफोन में है, आपको जो है मैसेज टाइप कर देना है, यानी कि आपको मैसेज नंबर टाइप करना है 144। ये इस मैसेज पे आपको बोडे पे भेजना है। उसके बाद क्या टाइप करना है कैपिटल में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि CANCT ये कैपिटल में आपको टाइप करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने किसी भी ऑपरेटर का अगर आप सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सारा यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आप ऐसे ही करके अपने कोरोना वायरस का कोलिट्यून हटा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ हेल्पफुल हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।